वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड आज की वीडियो में मैं आपके सामने ड्रैगन वर्सेस टाइगर गेम खेलने वाला हूं, और वो भी रियो तीन पत्ती एप्लीकेशन में। जी हां, जैसे कि आपको पता है कि रियो तीन पत्ती कल ही लॉन्च हुआ है, और मैंने कल उस एप्लीकेशन का रिव्यू भी किया था रियो तीन पत्ती का। तो सोच रहा हूँ कि चलो यार, रियो तीन पत्ती में जो ड्रैगन वर्सेस टाइगर गेम है उसमें मैं आपको एक शानदार ट्रिक बताता हूँ। उस ट्रिक को यूज करके आप ड्रैगन वर्सेस टाइगर गेम में काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। और भाई देखो, न्यू एप्लीकेशन है रियो तीन पत्ती, न्यू एप्लीकेशन है, तो अभी आप जितना लूट सकते हो ना उतना जल्दी से जल्दी आप इस एप्लीकेशन को लूट लीजिए। और अभी देखो, मेरे को रियो तीन पत्ती में मेरा जो टोटल बैलेंस है 63,059 रुपये। जी हाँ, मतलब 63,000 बैलेंस है, यहाँ पर देख सकते हो नीचे 63,000 है। तो मैं आज जो आपको ट्रिक बताऊंगा, इस ट्रिक से आप भी काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं ड्रैगन वर्सेस टाइगर गेम में। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने रियो तीन पत्ती का आपको लिंक दे दिया है। ओके, रियो तीन पत्ती का जाओ एंड रियो तीन पत्ती को फटाफट से डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, ओपन करो, मोबाइल नंबर से लॉग इन कर लो। आपको 61 रुपये का साइनअप बोनस मिलेगा, एंड आप कम से कम 1,000, 2,000, 3,000 आप ऐड कैश कर लीजिएगा। आपके जो वॉलेट है इसमें इतना होना चाहिए, ठीक है ना, 1,000, 2,000, 3,000 मतलब इतना होना चाहिए। एंड आप ड्रैगन वर्सेस टाइगर को फटाफट से ओपन कर लीजिएगा। अब आते हैं हम ट्रिक पर फटाफट से। अब ट्रिक पर आने के बाद हम बताते हैं कि आपको करना क्या है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, अब हम गेम को स्टार्ट करते हैं। जो भी मेरे को बताना था मैंने बता दिया, ठीक है। चलो, और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि मैं ज़्यादा अमाउंट नहीं लगाऊंगा, एंड मैं भी आपको ज़्यादा अमाउंट लगाने का सलाह नहीं दूंगा, ठीक है। चलो, मेरे को मतलब मैंने ऐसे ही लगा दी है टाइगर पर, मेरे को लगाना नहीं था टाइगर पर, मतलब मेरे को इस बार नहीं लगाना था, बट फिर भी मैंने टाइगर पर लगाया एंड मैंने विनिंग कर लिया। ओके, तो इसको आप मत समझो, ये मतलब मैंने ऐसे ही लगाया, इसको आपको नहीं समझना है। और जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा ना उस हिसाब से खेलिएगा, और 100% आपका विनिंग होगा। और ये वाला जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, इस ट्रिक को मैं क्यों यूज करता हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पर ना मैं क्या करता हूँ कि 10 रुपये लगाता हूँ मैं ड्रैगन पर, और देखो यहाँ पर मैं 100 रुपया और 1,000 रुपया भी मैं लगा सकता था। ओके, यहाँ पर टाई हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, मेरा पैसा वापस आ जाएगा। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि मैं 10 रुपया ही लगाऊंगा फर्स्ट टाइम, नहीं, आप मतलब मैं 100 रुपया 1,000 रुपये भी मैं लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास 63,000 है। तो मैं अगर फर्स्ट टाइम में 1,000 रुपया भी लगाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जितना भी पैसा रहेगा उसके हिसाब से आप लगाना, 10 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, उसके हिसाब से आप लगाना। फिर से मैंने ड्रैगन पर 10 रुपया लगा दिया है। मैं आपको सिर्फ ट्रिक बताने के लिए मैं 10 रुपया से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, आप 100 रुपया फर्स्ट में भी लगा सकते हैं, अगर लॉस होता, देखो मेरे को विनिंग हो चुका है। अगर यहाँ पर मेरा 10 रुपया लॉस हो जाता तो मैं 20 लगाता, अगर 20 लॉस हो जाता तो मैं 40 लगाता, 40 लॉस हो जाता मैं 80 लगाता, 80 लॉस हो जाता मैं 160 लगाता, ठीक है। ऐसे आपको भी करना है। तो जितना आपके पास पैसा रहेगा उस हिसाब से आप 7 लेवल तक आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कि आपको कितना जा रहा है, ठीक है। मैंने टाइगर पर लगाया है, टाइगर पर मैंने क्यों लगाया है वो मैं आपको फाइनली अब ट्रिक बता रहा हूँ। देखो मैंने विन कर लिया, देखो मैंने लगाया है, विन कर लिया। क्यों मैंने लगाया, यहाँ पर जो मेरा ट्रिक है वो है कि जिस साइड कम पैसा लगेगा उस साइड आपको लगाना है। जी हाँ, मैं इस ट्रिक को पर्सनली 3-4 साल से फॉलो कर रहा हूँ। जिस साइड पैसा कम लगता है उसी साइड में अपना पैसा लगाता हूँ। कम लगने का मतलब देखो, जैसे यहाँ पर ना मैं 40, इधर ड्रैगन पर लगा है 51,000 एंड टाइगर पर लगा है 57,000, तो मतलब ये ज़्यादा अंतर नहीं है, तो मैंने लॉस कर दिया। देखो यहाँ पर सिर्फ 5,000 का अंतर था, यहाँ पर अगर 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 जितना ज़्यादा डिफरेंस रहेगा उतना आपका विन करने का चांस बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि ड्रैगन पर लगा है 1,00,000, टाइगर पर लगा है 50,000, तो अगर आप टाइगर पर लगाओगे तो आपका 95% विनिंग करने का चांस बन जाता है। अब इस बार मैं कहीं नहीं लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि देखो सिर्फ 1,000 का डिफरेंस है, तो मेरे को रिस्क लेना नहीं है और आपको भी रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि ये जो ड्रैगन टाइगर गेम है भाई 24 घंटे चलता है। ऐसा नहीं है कि भाई ये 1 घंटा 2 घंटा चलता है, नहीं, एनी टाइम हर घंटा हर वक्त ये गेम चलता रहता है। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, थोड़ा वेट करना है, और जब भी ज़्यादा बड़ा गैप आपको दिखेगा, जैसे यहाँ पर इस बार मेरे को ज़्यादा गैप नहीं है, फिर भी चलो ठीक है, मैंने लगा दिया है ड्रैगन पर 10 रुपया, ठीक है, मैंने लगाया है, और देखो फिर भी अंतर है कितने का, 15 हज़ार का अंतर है,
ठीक है, बट यहाँ पर मैंने लॉस कर दिया, बट कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं 20 लगाऊंगा, जैसे ही अंतर होगा ना 20-25 हज़ार का, तो मैं फिर से लगाऊंगा, ठीक है ना। देखते हैं क्या होता है। और आपको भी सेम करना है कि आपको थोड़ा वेट करना है, जैसे ही 20-25-40-50 हज़ार का गैप आपको जैसे ही देखने को मिलेगा, फटाक से आपको लगा देना है, ठीक है। इस बार मैं नहीं लगाऊंगा। अब देखो यहाँ पर ना अंतर देखो, सिर्फ 1 हज़ार का अंतर, तो मैं क्या ही लगाऊँ, क्या ही लगाऊँ, मेरे को कोई फ़ायदा ही नहीं है लगाने का। ओके, इस गेम में आप एक्चुअली अर्निंग कर सकते हैं, रियल कैश गेम है, तो आप 100% अर्निंग करने वाले हैं। मेरे ट्रिक को यूज आप कीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। और हाँ, 7 लेवल तक पैसा अपना रख लीजिएगा। अगर आप 100 रुपया फर्स्ट में लगा रहे हैं, तो आपके पास ऐसा होना चाहिए कि आप 7 लेवल तक उसको लेकर जा सकें। मैंने 10 रुपये लगाया है ड्रैगन पर, मेरे को ज़्यादा विनिंग करने का चांस लग नहीं रहा, मैंने लॉस कर दिया, चलो सिर्फ 4 हज़ार का अंतर था, ठीक है। यहाँ पर मैं वेट करना चाहता हूँ, बट मैं वेट नहीं कर सकता क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ। आपको वेट करना है जब तक अच्छा खासा गैप नहीं देखने को मिलेगा, अच्छा खासा मतलब आप, हाँ अच्छा अंतराल आपको नहीं देखने को मिलेगा ना। जैसे ड्रैगन पर मान लो कि लग गया 50 हज़ार, बट टाइगर पर 20 हज़ार ही लगा, तो टाइगर पर लगा देना है आपको। और इस बार देखो मैंने 20 लगाया है, और इस बार आई थिंक काफ़ी ज़्यादा गैप है। ओके, तो विनिंग करने का चांस बहुत ज़्यादा है, मैंने विनिंग कर लिया। तो एकदम श्योर होकर कि हाँ भाई, इस टाइम मेरे को लगाना चाहिए, इस टाइम विनिंग करने का चांस है, उसी टाइम आपको लगाना है। मैंने बोला ना भाई, 24 घंटा गेम चलता है, तो अगर आप 1, 2, 5, 10 मिनट आप वेट कर रहे हैं और फाइनली ऐसा आपको कभी ना कभी देखने को मिलता है कि हाँ भाई, यहाँ पर विनिंग करने का चांस है, यहाँ पर ज़्यादा गैप हमको देखने को मिल रहा है, 20 हज़ार 25 हज़ार 60 हज़ार का यहाँ पर गैप मेरे को देखने को मिल रहा है, तो लगा था। देखो टाइगर पर मैंने लगाया, ज़्यादा अंतर नहीं है, मैं लॉस भी कर सकता हूँ, बट मैंने विन कर लिया, यहाँ पर ज़्यादा चांस नहीं था, ठीक है। जितना ज़्यादा पैसा में अंतर रहेगा दोनों साइड, उतना आपका विन करने का परसेंटेज बढ़ता जाएगा। ये वाला बात जो है मेरा ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और 7 लेवल तक पैसा रहने से ये होगा कि अगर आपने एक बार लॉस किया, आपने 100 रुपया आपने लॉस कर दिया। सो गाइस, पता नहीं मतलब मेरा गेम ऑटोमेटिक यहाँ पर कट हो गया था, पता नहीं कैसे, मतलब रुक गया था गेम, उसके बाद ऑटोमेटिक कट हो गया। फिर से मैंने ओपन किया है, फिर से मैंने ड्रैगन टाइगर को मैंने ओपन किया है, एंड मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एंड जितना मेरे को था यार, मैंने आपको बता ही दिया, अब क्या ही बताऊँ। बस आप यही ध्यान रखना कि अगर आप फर्स्ट में 100 रुपया लगा रहे हो, तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप लॉस अगर आपने 100 रुपया किया फर्स्ट टाइम लगाने के बाद, तो फिर आप 200 लगा सकें। अगर वो भी लॉस कर दे तो 400 लगा सकें, अगर वो भी लॉस कर दे तो 800 लगा सकें, ठीक है। और जहाँ पर भी जाकर, अगर मान लीजिए आपने 800 पर जाकर आपने विन कर लिया, तो ऐसा नहीं दोबारा आपको 800 पर ही लगाना, नहीं, आपको फिर से स्टार्टिंग से 100 रुपया सबको लगाना स्टार्ट कर देना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो चलो जो भी होगा, मैंने ड्रैगन पर लगा दिया, मेरे को बिल्कुल श्योर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 5 हज़ार का अंतर है, मैंने ऐसे ही लगाया, ठीक है। विन होगा तो सही है, लॉस होगा तो भी सही है। देखो मैंने लॉस कर दिया, ओके। मैं जब, पता है जब मैं गेम खेलता हूँ ना, ऐसे तो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे को लगाना पड़ जा रहा है, जब मैं गेम खेलता हूँ तो मैं पेशेंस रखता हूँ, थोड़ा वेट करता हूँ, और मेरे को जैसे ही 20-25-40-50 हज़ार का गैपिंग देखने को मिलता है, तब भी मैं लगाता हूँ। मैं 5 हज़ार और 10 हज़ार के अंतर पर मैं बिल्कुल भी नहीं लगाता, ठीक है। इस बार देखो मैंने ड्रैगन पर लगाया है 20 हज़ार, आई थिंक 15-20 हज़ार का अंतर है, एंड मैंने विन कर लिया। देखो मैंने बोला भाई, मैंने बोला ना, देखो मैं श्योर हो जाता हूँ पहले कि कब मेरे को 99% या 95% मेरे को कब विनिंग करने का चांस लग रहा है, तो ही मैं लगाता हूँ। अभी देखो, अब इस ट्रिक को मैं 2-3 साल से यूज कर रहा हूँ, तो भाई जायज है भाई कि विनिंग हो गई। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैं ऐसा क्यों इस ट्रिक को मैं क्यों ऐसे फॉलो करता हूँ, ठीक है। मैं इसलिए इस ट्रिक को फॉलो करता हूँ ना, मैंने लगाया है ड्रैगन पर, देखो मैंने विन कर लिया, ठीक है, क्योंकि ये अंतर बहुत ज़्यादा था, 30 हज़ार का आई थिंक अंतर था, तो मैंने विन कर लिया, ठीक है। देखो मैं इस ट्रिक को यूज इसलिए करता हूँ कि कोई भी कंपनी है, देखो कोई भी कंपनी है गेम खिला रहा है, ठीक है, तो मान लो कि जिस साइड ज़्यादा अमाउंट लग रहा है, अगर उसी साइड, ठीक है, अगर उसी साइड विन कराएगा कंपनी, तो कंपनी का कितना ज़्यादा लॉस होगा। मान लीजिए ड्रैगन पर लगा है 1 लाख, टाइगर पर लगा है 50 हज़ार, तो अगर ड्रैगन को विन कराया है तो कंपनी को 50 हज़ार मिला और कंपनी ले 1 लाख दिया कंपनी ने, तो कंपनी को 50 हज़ार लॉस हो गया, समझ रहे हो, यहाँ पर कंपनी को 50 हज़ार लॉस हो गया।
बट वही कंपनी अगर ड्रैगन पर 1 लाख लगा है और टाइगर पर 50,000 लगा है और टाइगर को विन कराता है वही कंपनी, तो टाइगर पर वो सिर्फ 50,000 देगा और ड्रैगन से 1 लाख लेगा, मतलब उसको 50,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो समझो भाई गेम किस हिसाब से चलता है ना, उसको समझो। मैंने टाइगर पर लगाया है, मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि मतलब कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, मैंने लॉस कर दिया, मैंने बोला ना ज़्यादा अंतर नहीं है। सो मैंने जो भी था मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बताया भाई, ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ कि ये ट्रिक वो ट्रिक ये ट्रिक, नहीं यार मैं आपको प्रैक्टिकल जो कंपनी जिस माइंडसेट से चलता है मैंने वो आपको बताया है, ठीक है। अब जैसा भी आपको समझना है समझो भाई, नीचे कमेंट करके बताना कि मैंने जो आपको बताया है ट्रिक आपको कैसा लगा, आप खुद यूज करना। रिवो 3 पत्ती में फाइनली आप यूज करो क्योंकि नया एप्लीकेशन है और बहुत ज़्यादा विनिंग होगा, ठीक है। एंड आप फटाफट से, और देखो कभी कभी हो सकता है कि मतलब एक बार दो बार तीन बार हो सकता है कि जिस साइड ज़्यादा अमाउंट लगे उस साइड कंपनी विन कराए, बट 10 में से 8 या 9 बार कम जिधर लगेगा उधर ही विन कराएगा, ये मेरे को पता है, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो से लाइक और कमेंट कर दो, नीचे डिस्क्रिप्शन में रियो 3 पत्ती एप्लीकेशन का लिंक है, जाकर फटाफट से डाउनलोड करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पर सेट कर लो, कमेंट करके बताओ वीडियो आपको कैसा लगा, ट्रिक आपको कैसा लगा।